संभल में बीजेपी विधायक अजीत यादव एक बार फिर भड़के हैं। वजह, मेडिकल के 4 दिन भी ग्रामीण को दवा गोली प्लास्टर न मिलने की मनमानी की भेंट चढ़ चुकी। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत और अधिकारियों की न सुनने की आदत बनी है। मारपीट में घायल देशराज नाम के शख्स को लेकर आज बीजेपी विधायक जिला मुख्यालय भैजोई स्थित सीएमओ ऑफिस पहुंचे। विधायक का आरोप था कि 4 दिन पहले ग्रामीण घायल हुआ, मेडिकल हो गया, लेकिन जिला अस्पताल में न प्लास्टर हुआ, न गोली दवा दी और न ही एक्सरा हुआ। एक हाथ को अंगूठे से लटकाए ग्रामीण घूम रहा है। विधायक ने कागजों में मजबूत जिले के हेल्थ महकमे को बेहद लचर बताते हुए कहा कि मेडिकल स्टोर के पर्चे उगाई, मुख्यालय पर एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी नहीं है। उन्होंने सीएमओ से कहा, डीएम से कहा, सीएमओ कहते हैं उनके महकमे के लोग उनकी नहीं सुनते। विधायक ने आरोप लगाया है कि जिले में अधिकारी किसी की नहीं सुनते, उनकी नहीं सुनते, प्रभारी मंत्री की भी नहीं सुनते, तो आखिर अधिकारी किसकी सुनते हैं। हालांकि सीएमओ ने ग्रामीण को इलाज को एम्बुलेंस से अब संभल जिला अस्पताल भेज दिया है, मगर संभल विधायक के असंतोष के सुरों ने जिले की अफसरशाही पर सवाल खड़े किए। जब यूपी में नेतृत्व पर अटकलों का दौर चल रहा है। कहाँ रहते हो देशराज? गांव उधरनपुर। क्या घटना हुई? यही हाथ अंगूठा आप लटकाए घूम रहे हैं हाथ में आपके? ये झगड़ा हुआ था गांव में। जी, झगड़ा हुआ, वैसे आदमी दमंग आदमी ने मैं पीट लिया। जी, जब पीटने के बाद में साहब, जब मेरी ना तो किसी ने बोना करी, फिर मैं साहब विधायक जी के दौरे पहुंचा। जी, जब ये मेरा काम हो रहा है ना, तो मैं संभल भी पहुँच गया, एक्सरा भी करवाया और जो भी काम करा वो सब कर दिया। बोले ना तुम्हें दवाई अभी नहीं मिलेगी, डॉक्टर साहब नहीं है, 3 बजे तक करे रहे वहाँ पे। कहाँ के अस्पताल में, कहाँ पे बताया गया आपको दवा नहीं मिलेगी? संभल ही कह रहे साहब, अनपढ़ आदमी है, हमें तो कोई जानकारी नहीं है। ये देशवासी हैं, उधरनपुर के हैं, हमारे गुन्नौर क्षेत्र के रहने वाले हैं और मैं यहाँ सीएमओ साहब से मिलने के लिए आया हूँ कि ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो हमारा ये कहना है कि जब ये हॉस्पिटल में गए अपना एक्सरा कराने के लिए, तो वहाँ पर इनका एक्सरा किया गया, लेकिन एक्सरा करने के बाद ना तो इनका प्लास्टर किया गया और ना ही इनको कोई दवाई दी गई। एक दो दिन पहले से हाथ लटकाए हुए घूम रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं। ये किस सीएचसी का मामला है? ये जो है जिला हॉस्पिटल का मामला है संभल का, क्योंकि इतने बड़े जिला के अंदर केवल एक ही एक्सरा मशीन है, वो भी यहाँ संभल के अंदर है और भैजोई में कोई भी एक्सरा मशीन नहीं है, जबकि इतना बड़ा कस्बा है, उसके और भी काफ़ी गांव लगे हुए हैं। यहाँ सीएमओ ऑफिस है, सीएमओ ऑफिस, जहाँ पर सीएमओ ऑफिस है वहाँ पर कोई भी एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। और इसके संबंध में हमने कई बार जो है डीएम साहब को भी बता चुके हैं और सीएमओ साहब को भी बता चुके हैं, इससे जनता को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत कम डॉक्टर हैं और जो भी डॉक्टर बैठते भी हैं तो वो पर्चा जो लिखते हैं वो बाहर के जो मेडिकल हैं उनके बराबर में, प्राइवेट जो मेडिकल हैं उनके लिए पर्चे पर दवाई लिखते हैं, जिससे कि पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी चरमराई हुई है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ जी, बाकी जो आंकड़े हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ज़मीन की जो हकीकत है वो ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग है हमारे संभल का, तो सीएमओ साहब क्या कर पा रहे हैं आप यहाँ ऑफिस में? सीएमओ साहब को हमने बताया तो सीएमओ साहब ने फ़ोन भी किया और उन्होंने ये बताया हमको कि ये जो वहाँ के जो अधिकारी हैं जो चार्ज पर है वो हमारी बात को नहीं मानते हैं, इसलिए फिर उन्होंने तो 2 बार फ़ोन करके उनको बता दिया, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी अधीनस्थ जो लोग हैं उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। आपके जो रेडियोलॉजिस्ट हैं जो एक्सरा वगैरह करते हैं, यहाँ भैजोई और संभल में दोनों जगह फर्जी केस और फर्जी डॉक्टरी हो रही हैं। इसके बारे में मैंने कई बार डीएम साहब को भी बता चुका हूँ, सीएमओ साहब को भी बता चुका हूँ और अखबार में भी आ चुकी है। तो सीएमओ साहब के लोग नहीं मानते हैं या सीएमओ साहब ही जनता में नहीं निकल पाते हैं? कितने लोग सीएमओ साहब को पहचानते हैं यहाँ पे? अब जो उनके अधीनस्थ लोग हैं कम से कम उनको तो मानना ही चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मानते। उनकी
जबकि इनको भ्रमण भी करना चाहिए। तो कितने लोगों के खिलाफ लिखापढ़ की है सीएमओ साहब, ये तो बताएं तभी तो। अभी तक तो किसी के खिलाफ कोई नहीं की है, लेकिन ये आम बात है, आम बात हम जनता की जो समस्या है उसे हम बताने के लिए आए हैं, किसी के ऊपर कार्रवाई या उसके लिए नहीं आए। लेकिन क्योंकि जनता की समस्या है तो उसको तो हम कहना भी चाहिए और इसलिए हम कहना भी चाहते हैं। इस ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन अभी जैसा इन्होंने बताया तो मैंने वहाँ जिला अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर सुशील कुमार, उनसे वार्ता करी है कि इनका एक्सरे के बाद में वहाँ इनको उपचार क्यों नहीं दिया गया। अभी मैं थोड़ी देर में इनको लेकर के जिला अस्पताल में जाऊँगा और वहाँ इनका उपचार करा के जो भी प्लास्टर वगैरह इनको लगेगा वो करवा के। अच्छा, जो इसमें लापरवाही जिन लोगों के द्वारा इसमें की गई है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, कितने समय में कार्रवाई की जाएगी, क्या इसमें कार्रवाई हो भी पाएगी या केवल जांच तक सीमित रहेगा? नहीं, अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और होगी जी। इनको पूरा पूरा जो है कहते हैं उपचार दिला करके इनको लाभान्वित कराया जाएगा। नहीं, कई दिन से ये पीड़ित दर दर भटक रहा है अस्पतालों के, सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के साथ साथ सब हर जनपद में बेहतर हैं, पर ये क्या, इस तस्वीर को देखकर क्या कहना है? ये कल दोपहर का मामला है 3 बजे के आसपास का, और मेरे पूछने पर उन्होंने टेलीफोन पे यही अवगत कराया कि कहते हैं जो है ये एक्सरे करा के वहाँ से चले गए। हालांकि वहाँ जिला अस्पताल में जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वहाँ पर इनका उपचार वहाँ पर हो सकता था, प्लास्टर हो सकता था। जाके पता चलेगा कि कहते हैं वस्तु स्थिति क्या थी, ये किसकी लापरवाही है।